अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब खैरत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं आम का अचार, या बहुत सारे लोग आम की चटनी भी बोलते हैं या आमिनी की चटनी भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी और मज़ेदार होगी। सिंपल और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये चटनी बनेगी, देखते रहिए। चलिए, पहला इंग्रेडिएंट है आमिनी। ये 2 किलो आमिनी है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है या ग्रेट कर लिया है। अब चलिए दूसरे इंग्रेडिएंट्स की भी आमिनी में ऐड करने के बाकी के इंग्रेडिएंट्स, थोड़े से करी लीव्स और 2 स्पून लाल मिर्च, 100 ग्राम्स लहसुन, 1 स्पून काली मिर्च, 1 स्पून राई और 1 स्पून हल्दी, और ये होगा 1/2 लीटर 500 ml ऑयल। जो 100 ग्राम लहसुन ली थी इसको थोड़ा सा मोटा मोटा मैश कर लूंगी मैं, ज्यादा बारीक मत कीजिए। जो 500 ml ऑयल रखी थी उसमें 450 ml ऑयल गरम करके कूल होने के लिए छोड़ देना है और 50 ml बचा लेना है फॉर तड़के के लिए। ऑयल अब हमारा गरम हो चुका है, इसको अब हम ठंडा करने के लिए या कूल होने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा ठंडा हो चुका है, चलिए अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। जो 50 ग्राम ऑयल रखी थी, ये 50 ग्राम ऑयल जो है हम ऐड कर लेंगे और गरम करने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें मैंने राई और काली मिर्च डाल के इसको चिड़चिड़ाने के लिए छोड़ दिया है। राई चिटकने लगी है, चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लास्ट में ऐड करेंगे करी पत्ता। चलिए अब हम स्टोव को ऑफ कर देंगे। स्टोव ऑफ होने के बाद हम ऐड करेंगे हल्दी और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा कलर आया है। इतना ध्यान में रखिए, जब स्टोव ऑन हो तभी हल्दी ऐड मत कीजिए, क्योंकि ये कलर नहीं आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑयल ठंडा होने के बाद, आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऑयल ठंडा हो चुका है, अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च। चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। मिर्ची भी हमारी मिक्स हो चुकी, अब लास्ट में मैं ऐड करूंगी नमक। मैं डाली हूँ 4 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा खुशबू आ रही है। अच्छे से नमक मिक्स हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ठंडे करने के लिए तेल रखा हुआ है इसमें ये सारा मसाला ऐड कर लेंगे। चलिए करते हैं। तेल हमारा अच्छा सा ठंडा हो गया है, अभी जो भी ये मसाला हमने तैयार किया था या तड़का तैयार किया था में हम ऐड कर लेंगे। ये मसाला मिक्स करके रूम टेम्परेचर आने तक इसको छोड़ देना है। हमारा अचार का मसाला कूल हो गया है, तो अब हम ऐड करेंगे इसमें आमिनी। या अचार बनाने के लिए बेस्ट टाइम है शाम का टाइम। आप ये पूरा ऐड करने के बाद इसको 8 से 10 घंटे कूल करने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप पैक करके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, आपको 6 मंथ्स के लिए रहेगा। मिक्स करने के लिए अप एंड डाउन कीजिए। अचार का मेन इंग्रेडिएंट है मेथी और राई, इसको तड़के में नहीं मिलाना है, इसलिए मैं आपको सेपरेट से दिखा रही हूँ। ये दोनों को साथ में भून के मिक्सर में मार के फाइन पाउडर बना लेना है, और इसको कैसे ऐड करते हैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए बने रहिए अपने हमारे वीडियो में। चलिए अब हम आपको मेथी भुनने का तरीका बताएंगे। छोटी सी सूखी कढ़ाई ले लेना है, उसमें मेथी डाल देना है, उसको ऐसे ही हिलाते रहना है कलर चेंज आने तक, और थोड़ी सी धीमी सी खुशबू भी आएगी। ज्यादा नहीं जलाना है, नहीं तो सारा अचार कड़वा हो जाएगा।
मैंने स्टोव ऑफ कर दिया है, ये देखिए मेथी चिटकने लगी है। अब हम इसको काट लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है राई, इसको भी हल्का से भून लेंगे। ये देखिए हमारी राई चिटक रही है और थोड़ा सा कलर भी चेंज होगा। ध्यान रखिए ज्यादा मत जला देना। भुनी हुई राई और मेथी को फाइन पाउडर में पीस लिया है मैंने। अभी इसको हम अचार में ऐड कर लेंगे। ये पाउडर को अचार में डाल के हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अचार हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको ओवरनाइट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सुबह में इसको एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रिज में स्टोर कर देंगे। ये अचार आपको 6 मंथ्स तक चल जाएगा और खराब भी नहीं होगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।